हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बच गए सुबह के 10:30 और सुबह से मैं अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं अपना व्लॉग ना 2 दिन के बाद फिर से वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मामा को लेके ना नहीं होता है तो वो बहुत ही डिस्टर्ब करती है, तो कभी टाइम होता है तो कभी नहीं होता है। तो चलो आज इंट्रो मामा करेगी। बोलो हाय गाइस, आज ये संडे, बोलो क्या हुआ। बोलो पहले जब मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था तो वो बोल रही थी हाय गाइस संडे संडे, और अभी देखो कैमरा देख के कैसे चुप हो गए। बोलो हाय गाइस संडे, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, तो हाय बोल दो थोड़ा सा। हाय हाय गाइस, मामा को लेके मैं सीधा आ गई किचन में और यहाँ पे मैंने खाना बैठा दिया है। मतलब आज ना अभी तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो आज मैं सिंपल सा एक सब्ज़ी बनाऊंगी मामा के लिए और हमारे लिए, गोभी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि आपको पता ही है गोभी मुझे बहुत पसंद है और अभी तो विंटर का सीज़न है तो गोभी अवेलेबल है मार्केट में। तो सब्ज़ी मतलब मेरे हस्बैंड गोभी लाएंगे ही लाएंगे, तो गोभी की एक सब्ज़ी होगा और पत्ता गोभी की एक पकौड़ा बनाऊँगी और मामा के लिए एक सब्ज़ी बना दूँगी, बस इतना ही है। तो 2 दिन के बाद में ना मैं वीडियो कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कि वीडियो बनाऊँगी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था और मामा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करी। देखो मामा कहाँ पे बैठी है। हाय, तो अभी लाइट भी चला गया है तो अभी इसलिए ना थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है किचन जो। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई को बैठा दिया है, एक साइड में होगा और एक साइड में मैं आलू को बॉईल कर रही हूँ और दूसरे साइड में मामा के लिए सब्ज़ी बना लूँगी। तो चलिए जल्दी ये सब कुछ करने के बाद, मुझे और थोड़ा भी काम है। मामा में एक जगह में तो कभी भी नहीं बैठेगी, तो किचन में थी और अभी उसको बाहर जाना है, तो आ गई। देखो बाहर, यहाँ पे मत बैठो, उधर जाओ। और सुबह देखो इतना सारे कपड़े जो कि मैंने धूप में दे दिया था और वहाँ पर ना मामा का नहाने का पानी भी धूप में दे दिया था। और ये देखो मामा, पापा कहाँ पे गया है, पापा कहाँ पे है, ड्यूटी, पापा कहाँ पे है, रास्ता, ड्यूटी, पापा का ऑफिस कहाँ पे है। तो मामा खेलते खेलते अचानक उसको नींद लग गया है और उस साइड पे मैं खाना बनाते बनाते मामा को यहाँ पे सुला रही हूँ। और ये देखो ये जब तक 10-15 मिनट सो जाएगी तब तक मैं जल्दी से खाना बना लूँगी और फिर उसको नहला भी दूँगी। तो चलिए मैं उसको सुला के फिर जल्दी से खाना बना के फिर मिलूँगी आप लोगों से, क्योंकि अगर मैं ऐसी बात करती रही तो ये नहीं सोएगी। तो क्योंकि ये आज बहुत सुबह उठी है, 7:30 बजे उठ चुकी थी। यहाँ पे आलू को छील रही हूँ और यहाँ पे देखो मामा क्या कर रही है, मामा मसाला को पेस्ट कर रही है। तो मैं यहाँ पे मैंने सब्जी को चढ़ा दिया है और यहाँ पे मैं आलू भी छील लूंगी। और लाइट चला गया है, लाइट चला गया मतलब गोभी आलू की सब्जी में जो मसाला होगा वो मैंने, हाय हाय, तो गोभी आलू की सब्ज़ी में मैं जो मसाला डालूंगी वो उसको मैंने अभी तक बनाया नहीं क्योंकि लाइट चला गया है। लाइट नहीं होने पे यही एक दिक्कत है, इसलिए ना मैं दूसरे दिन क्या करती हूँ, पहले मसाला को पेस्ट करके रख देती हूँ और उसके बाद जो भी काम करना है करती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो चलिए मैं आलू को जल्दी से छील के सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि मामा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी थोड़ी देर पहले, वो सो रही थी यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा। और अभी देखो वो मैं जब ये मतलब रसोई को यहाँ पे पेस्ट करने वाली थी तब वो उठ चुकी है और अभी वो कर रही है। तो सभी खाना मेरा बन चुका है और लास्ट में मैं यहाँ पर बनाऊँगी पकौड़े। तो पत्ता गोभी को मैंने बैटर में अच्छे से लगा लिया है और यहाँ पर कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया है, ऑयल भी दे दिया, ऑयल गर्म हो गया, तो ऐसे करके मैं दे दूँगी यहाँ पर।
तो ऐसे करके मैंने चारों को ही दे दिया है और इसको अच्छे से पका लूँगी। तो खाना मेरा ऑलमोस्ट तो बन ही चुका है, लास्ट में से पकौड़ा बाकी है, वो मैंने अभी मतलब वो अभी बना रही हूँ, तो वो बना के फिर मैं किचन को क्लीन कर दूँगी। तो किचन का हालत कुछ ऐसा है, और फिर से देखो मम्मा मेरी गोदी में आ गई है। तो ये सब कुछ करने के बाद मैं मम्मा को नहला दूँगी, और नहलाने के बाद मम्मा को खिला के सुला भी दूँगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए ना मतलब खाना बनाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए मैं किचन को साफ़ करके फिर मामा को नहला के उसको खिला के फिर बाद में मिलूँगी आप लोगों से, क्योंकि उसको सुलाना पहले तो उसको पहले सुलाना होगा। सब कुछ काम होने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ मामा को नहलाने के लिए। तो मामा को आज मैं बाहर नहलाऊँगी, क्योंकि आज धूप बहुत अच्छा है, तो उसको बाहर नहलाऊँगी। और देखो फेस वॉश के साथ क्या कर रही है। मामा मामा बाय बोल दो, बाय बोलो, हाँ बाय बोलो गाइस को, बाय बाय, नहीं पहले बाय बोलो। मामा रेडी हो गई, तो मामा को मैंने रेडी कर दिया है और उसको मैं अभी खिला दूंगी। खिलाने के बाद वो सीधा सो जाएगी, तो वो सोने के बाद बाकी दूसरा मैं कोई भी काम कर लूंगी। चलो बाय बोल दो, बाय। यहाँ पे मैंने मामा के लिए ले लिया है खाना और उसको मैं अभी खिला दूंगी। मामा चले सो, तो उसको खाना खिलाने के बाद उसको मैं सुला दूंगी, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है, वो बहुत देर से सोने की कोशिश कर रही है। और वो देखो मामा बैठ गई है खाना खाने के लिए, लो टेस्टी टेस्टी। तो मेरे हस्बैंड आ भी चुके हैं और हम लोगों ने लंच भी कर लिया है, और अभी फ़िलहाल मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो लंच होने के बाद ये देखो मेरे हस्बैंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उस दिन इसको साफ किया था और अभी इसमें आग लगाएंगे, आग लगाने के बाद जो भी कुछ लगाना है वो लगाएंगे। तो हस्बैंड वहाँ पे आग लगा रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ घर में, मतलब अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा है और धुआं धुआं हो रहा है पूरा। तो मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि मम्मा घर में अकेली है। हे गाइस गुड इवनिंग। तो अभी बज के शाम के 5, तो मैं पहले वाला वीडियो अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मामा दोपहर को खाना खाने के बाद सो गई थी, और तभी ना हम लोग भी खाना खा के थोड़ा सा सो गए थे, और वो अभी अभी उठी है। तो उसको लेके ना मैं सीधा गई थी रास्ता में, रास्ता मतलब उसको केक खाना था तो उसको लेके मैं गई थी दुकान में। तो वो अपने लिए एक केक लाई है, और छोटा वाला केक नहीं होता है क्या, वो 10 रुपये वाला, वही एक केक वो लेके आई है, और वो अभी बैठ के यहाँ पे खा रही है। तो मुझे ना इवनिंग का जो भी कुछ काम है सब कुछ मैं कर लूँगी, क्योंकि काम अभी तक नहीं हुआ है, फिर मुझे पूजा भी करना है। और ये देखो मामा क्या कर रही है, वो देखो उसका केक, ये वाला केक वो लेके आई है। हाय बुधा हाय। वो अभी जब तक यहाँ में चुपचाप बैठी रहेगी तब तक मैं मतलब इवनिंग का जो भी काम है वो सब कुछ करके पूजा वगैरह दे दूँगी, और फिर उसको खाना भी खिला दूँगी, मतलब शाम का जो टिफ़िन होता है उसको दे दूँगी। तो इसलिए मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं कर पाऊँगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए बाय।